हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 यानी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022। इसमें दो पेपर आपके होंगे, एक पेपर होगा इसमें जनरल नॉलेज और हिंदी होगा, दूसरा आपका होगा रीजनिंग का होगा और उसमें आपका सब्जेक्ट का रहेगा। यानी अगर साइंस से हैं तो विज्ञान वर्ग के क्वेश्चन होंगे और अगर आप आर्ट साइंस से हैं तो उसमें कला वर्ग के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पेपर लगभग विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों का सेम है, तो चलिए उसी के टर्म में हम आगे बात करेंगे। प्रथम प्रश्न जो है आपका, खंड और सामान्य ज्ञान, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और डेली आपको कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। पहला ऑप्शन है आर्यन मंडल, दूसरा ओजोन मंडल, तीसरा ब्रह्मा मंडल और चौथा है क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की संरचना में धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन मंडल क्या है आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर है फर्स्ट यूत्र, क्या बोलते हैं, यूत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2014 में ये शुरुआत की गई थी, ठीक है। यानी बच्चों में टीकाकरण बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्वर्णमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्णमान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, यानी किस जनरल के कार्यकाल में ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सर जान शोर, इनके कार्यकाल में अहस्तक्षेप नीति जो है अपनाई की गई। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 74 में। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, राज्यसभा एक अस्थाई दल सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। छः वर्षों तक होता है। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर एट क्या कहा गया है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में स्थित है। यानी जेनेवा में मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर नाइन जो है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी।
जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत चीन युद्ध के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल SSB का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वर्ष 1963 में भारत चीन के युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए SSB का गठन किया गया था 1963 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सूर साम्राज्य के स्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी के बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यानी विलग्राम का युद्ध इसी युद्ध के बाद 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो बी करेक्ट है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारतीय न्यायिक पद्धति में PIL लोकहित मुकदमा जब आया था तो उसके न्यायाधीश कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो डी है, PN भगवती जो है यही मुख्य क्या थे, न्यायाधीश थे। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला मुख्य समाचार पत्र है? ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, पीपुल्स डेली, तो ये किस देश में प्रकाशित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट है, चीन, यानी बीजिंग में, चीन में ये जो है आपका न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले भारत रत्न जो है पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रकाश बिंदु कोण किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, बी वाटर पोलो से, सी बैडमिंटन से और डी फुटबॉल से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बैडमिंटन से, किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान ASEAN किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, 8 अगस्त 1967 को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में परंपरागत हैं? ठीक है, तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये ऑप्शन नंबर जो सी है, मोहिनी अट्टम से ही क्या है वो परंपरागत है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, खुशवंत सिंह जो है इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में किया गया था स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक। क्वेश्चन नंबर 23, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुलझाम अभियान की शुरुआत की थी?
तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। जल शक्ति मंत्रालय ने ये शुरुआत की थी सुलजाम अभियान। क्वेश्चन 24 देखिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुरुमुखी में लिखी जाती है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है पहली बार? हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कंप्यूटर एडिटेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? करा निम्नलिखित में से तीसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये चार नाम आपको दिए गए, ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है मदन मोहन मालवीय, तीसरा दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा चित्तरंजन दास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, यानी वो नहीं सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, ये क्या है, ये इसके लिए सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रेगुड़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान एवं ढक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, वैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट है, एकनाथ। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, उन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? क्वेश्चन नंबर 33, ओ चंद्रशेखरन, जिनका 2021 में निधन हो गया था अगस्त में, उन्होंने किस खेल में प्रतिनिधित्व किया था ओलंपिक में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फुटबॉल खेल में। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्वांग टावर का उद्घाटन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिल्ली। 35, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिला लेखों को दिल्ली ले गया था? इसका ऑप्शन नंबर 35 का बी करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब? इसके चार ऑप्शन दिए हैं, जब पहला दिया है वह गठबंधन सरकार चलाता हो, बी वह राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 36 का डी करेक्ट है, वह राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, 37, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? ये एशिया की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उड़ीसा में पाया जाता है। 38, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर नंबर ए करेक्ट है, के बिड़ला फाउंडेशन। हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 40,
उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, IDBI। 41, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, किससे बनते, इसमें जो भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सिलिकॉन, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, क्रोमियम से, तो ये किससे बनते हैं? तो सिलिकॉन से बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना किसी प्रोफेसर से। सेकेंड है, एक से अधिक प्रोफेसर द्वारा। सी, एक प्रोफेसर द्वारा। उपयोग में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, एक से अधिक प्रोफेसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौ सैनिक अभ्यास किया? किस देश के साथ दक्षिण चीन के सागर में नौ सैनिक अभ्यास किया था भारत ने? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वियतनाम। क्या है? वियतनाम से उसने चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में नौसेना का अभ्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत के भौगोलिक केंद्र के होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? जीरो मील सेंटर किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का ए करेक्ट है, नागपुर। क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है जीरो मील सेंटर? नागपुर को। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है? लिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन इसके दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ये करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 47, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है करेक्ट है, कर्नाटक में जो है यक्षगान की जो है वहाँ का प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद की रचना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन भारतेंदु हरिश्चंद की रचना है? क्वेश्चन नंबर 48 का सी करेक्ट है, भारत दुर्दशा। 49 देखिए, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, डॉक्टर विश्वेश रैया जो है इसके लेखक थे। तो ये रहा जनरल नॉलेज, यानी जो फर्स्ट पेपर है उसका खंड ए, सेक्शन ए जो है जनरल नॉलेज, और 50 क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। इसी तरह डेली आपको जनरल नॉलेज हिंदी और विज्ञान वर्ग जो सब्जेक्ट है और कला वर्ग का है, डेली लेक्चर आएंगे, ठीक है? तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।